अच्छा ये भाई बोलते हैं कि अच्छा भाई आप मेरी मेल पर वीडियो नहीं बनाते हो यार। मैं तो सबकी मेल उठाता हूँ जो भी आगे आती है, मैं तो सबकी मेल उठाता हूँ। पीपीपी आईडी में 5 लाख इनकम हो गई है, 2 चांस पूरे हो गए, अब क्या सोल्यूशन है मित्र? यार मैंने देखो ये जो सत्संग का फॉर्म भरवाना या फिर कोई जैसे कि अब मान लो ग्राम सचिव पटवाई कैनाल पटवाई जो भी फॉर्म आते हैं सारे मैं शॉप से भरवा के आता हूँ मित्र, ठीक है? और ये पीपीपी आईडी वाला सिस्टम है ना अपने सक्षम से थोड़ा अटके है। और मैंने भी स्टार्टिंग में स्टूडेंट किया था और बाकियों ने स्टूडेंट किया था, फिर मैंने भी अनएम्प्लॉयड करवाया और बाकियों का भी करवाया, हो गए थे। लेकिन अब आप लोग कितनी मिस्टेक करते हो, कितनी कितनी अपडेट होता है। देखो मैंने 2 बार अपडेट करवाई, मेरी 2 बार अपडेट हो गई थी। आप लोग बोल रहे हो कि मेरे 2 चांस पूरे हो चुके हैं और आगे मैं करवाऊँ, अब यार 3 3 बार या 5 5 बार ये तो शायद पॉसिबल हो भी ना भी हो, ये तो साइट पर डिपेंड करता है उन्होंने क्या कमांड लगा के छोड़ रखी है। यार इसमें मैं क्या बता सकता हूँ दोस्त, या फिर से ट्राई करवा लो किसी कैफे वाले से जिन्हें CSC ले रखा हो, ठीक है? अच्छा प्रीति चौधरी बोलती हैं सुमित सैलरी आ गई भिवानी डिस्ट्रिक्ट की। एक बात और यार, आप लोग सर मत लगाया करो, मैं कोई सर नहीं हूँ यार, प्लीज़ ठीक है? आप डायरेक्ट ओनली सुमित बोल सकते हो, ठीक है? ओके सैलरी आ गई है, 1500 ही आए हैं, 3000 आने थे, 2 अक्टूबर का अलाउंस मिला था। अच्छा, एक ही मंथ की सैलरी आई है आप लोगों के पास, 2 मंथ की आनी थी, कोई ना एक की तो आई। ये आपके पैसे हैं, आपके पास आ जाएंगे, ठीक है? इसी मंथ में चाहे एक साथ ले लो 3000 रुपये, या फिर 5 10 दिन बाद एक सैलरी और आ जाएगी इसी की, ठीक है? टेंशन क्यों लेते हो, आपके पास आएंगे पक्के। नेक्स्ट है मीनाक्षी सोलंकी। मीनाक्षी सोलंकी ने कुछ पूछा ही नहीं, अब मैं क्या बताऊँ भाई, अटेंडेंस दिखा रखी है, कुछ पूछते तो है यार, ऐसे थोड़ी पिक साइन करते हैं भाई। सुमित बोलते हैं भिवानी वालों का भत्ता आ गया +2 का, 1 मंथ का, 2 मंथ का क्यों नहीं आए? अरे सभी का ये प्रॉब्लम है क्या भाई? नेक्स्ट है नीतीश खन्ना। भाई भिवानी की एक ही भत्ता आया है 3 महीने बाद, चलो एक का तो आया, ये आपके पैसे आ जाएंगे जब बस गाड़ी की शुरुआत होनी चाहिए। ये बाप रेट से मतलब आपको इसी मंथ में सारे भत्ते दिला देंगे, ठीक है? दीपक जी बोलते हैं सीन लिस्ट जनरेट और सैलरी है तू, देखो सैलरी तो आनी स्टार्ट हो चुकी है और बाकी रही बात सेंट लिस्ट की, वो अभी अपडेट नहीं आई नहीं है, मैंने अभी चेक भी नहीं किया है, बाकी आई नहीं थी अभी तक तो, ठीक है? अभी अब आगे तो पता नहीं, देखते हैं। सुमित प्रधान राम राम, क्या हाल है, कच्चे काट रहे? अच्छा सुमित भाई आज सेंट लिस्ट जनरेट हुई है क्या? नहीं हुई भाई, और वर्क मैसेज चुनाव में देखो भाई ये तो जनरेट करता है, देखा जाता है यार, आपको देखो काम भी मिल चुका, आपने तो रिपोर्टिंग नहीं की मित्र, क्या होगा ऐसे तो, ठीक है? ऐसे बात नहीं बनेगी, सस्पेंड हो चुके हैं, एक बार आप आईडी के ऊपर ध्यान दिया करो, बाकी कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं आगे, ठीक है? लेजेंड भाई KKR की सैलरी आ गई है ग्रेजुएशन वालों की। भिवानी वालों थोड़ा बहुत फोटो भी सेंड करा करो, 3 4 बच्चों ने मैसेज तो जरूर कर दिया है सैलरी आ गई, लेकिन ये कुरुक्षेत्र वाले ही चौखे तरत, तो ये देखो कम से कम ये एक लोगों प्रूफ भी दिखाया करो, ये देखो भाई सैलरी आई है क्रेडिट भाई 1500 रुपये, 6/12/2021, ठीक है? ये होगी, देखो बेचारे बच्चे के खाते बिल्कुल खाली पड़े रहे, एम्प्लॉयमेंट वाले हो ट्रेजी वालों थोड़े तो शर्म करो, 1200 रुपये भेजो कि खर्चे पानी जोगे, पेट्रोल भी महंगा हो रहा है बेचारा की रुपये को नहीं। लेजेंड बहुत बहुत थैंक यू भाई तेरा। नेक्स्ट है दिनेश यादव। सर मेरी अटेंडेंस 48 आवर चढ़ा रहे हैं, 100 आवर क्यों नहीं चढ़ा रहे, समाधान करो सर। देखो यार इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई, ये आपने काम इतना किया होगा, अगर आपने काम ज़्यादा कर रखा तो, एक दो डिपार्टमेंट मेरे को भी ऐसे मिले थे जिन्होंने मेरी मतलब 84 आवर लगाई थी, मतलब पूरी नहीं लगाई, मैंने बोला सर पूरी तो करो, मैं तो काम मान लो कि 20 दिन में कम्प्लीट कर दिया था, बेटे आज तक हमने पूरी किसी लगाई नहीं, हम भी कार्रवाई हो जाएगी। वो डिपार्टमेंट वाले थोड़े एज्ड थे, मतलब 55 58 साल के कुछ ऐसे से थे वो, मतलब 50 की लाइन में थे एज की, एज से तो बोले हमने तो इतनी चढ़ाई नहीं आता, हम पे कार्रवाई हो जाएगी। मैंने सोचा ओ भाई साहब, मैं ठीक है भाई तम पिल्सर बनवाओ मेरी देखी जाएगी। तो कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं भाई, ठीक है? या फिर हो सकता कि आपने काम भी कम किया हो, ठीक है? ओह तो मीनाक्षी जी ने एक मेल में फ़ोटो भेजी है, एक मेल में कुछ क्वेश्चन पूछे हैं कि अटेंडेंस कभी 50 आवर कभी 30 आवर लगा रहे हैं भाई, सोशल जस्टिस इशार वाले सक्षम साथियों को परेशान कर रहे हैं, अक्टूबर मंथ की 50 आवर अटेंडेंस एंड नवंबर मंथ की 30 आवर के 20 आवर कर दिए गए हैं, सॉल्यूशन बताओ सुमित भाई। यार इसमें तो मैं क्या कर सकता हूँ, वही बात है, अभी अभी पिछला ही कमेंट आया, अभी ये यही कमेंट है, देखो इसी यही कमेंट है, तो ऐसे ऐसे हो जाते हैं भाई, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें यार। जो डिपार्टमेंट है जिसके अंदर आप सेल काम करते हो उसमें मेरी थोड़ी चलती है, मेरी तो कहीं पर भी नहीं चलती यार, मैं तो आप जैसे
आप जैसा ही एक सक्षम हो यार, मैं बस वीडियो बनाता हूँ, थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप लोगों को बता देता हूँ, लेकिन आपकी ये जो वीडियो बनती है ना, ये सभी डिपार्टमेंट वाले देखते हैं कि ऐसे ऐसे भी होता है, तो उनकी नज़रों में चढ़ जाते हैं ना, तब आपका समाधान भी हो जाता है। ये वीडियो बनाने से ये क्या बताऊँ आपको, रात दिन का फर्क पड़ता है भाई, ठीक है। ये वीडियो लगभग सभी देखते हैं लेकिन बताता कोई नहीं, ठीक है। तो आशा करते हैं कोई वीडियो देख रहा है तो भाई परेशान तो मत करो यार किसी को, क्योंकि ये बच्चे बेचारे देखो बेरोजगार बच्चे हैं और 6,000 रुपये में ही काम कर रहे हैं, और हर डिपार्टमेंट का साथ देते हैं, चाहे उनसे कैसा भी काम करवा लो, ऊपर से डिपार्टमेंट को इनको सैलरी देनी नहीं होती, सैलरी देती है सरकार, तो सक्षम साथियों परेशान क्यों किया जाए यार, प्यार से काम करवा लो। काम करने में कोई सक्षम मना नहीं करता, सभी काम करने में फुल इच्छुक हैं, लेकिन उनका बेचारों का गलत उपयोग मत करो, परेशान मत करो किसी को, ठीक है। तो इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। थैंक यू मीनाक्षी जी। अनिल कुमार भाई, मेरा नवंबर 2021 का बता सैली सक्षम आईडी पर शो नहीं हो रहा है, दिसंबर 2021 में लाल अक्षर में पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन लिस्ट इन, ये दिखा रहा है कि दिखाई क्या दिखा, प्लीज़ 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 सोल्व माय प्रॉब्लम। देखो देखते हैं सबसे पहले तो अगर ऐसा कुछ सिस्टम हो जाता है ना कि अलाउंस रिमूव फॉर दिस मंथ, तो ऐसा कुछ आपको डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से कॉन्टैक्ट करना चाहिए भाई साहब। इस केस में अगर आपके जीरो रह गई है, अगर अपलोड नहीं हुई है, कई बार मिस्टेक भी हो जाती है, मेरे को इस बात का पता है क्योंकि मेरे साथी था एक, उन्होंने भी चढ़ाई हुई थी, ऐसे कई बार मिस्टेक हो जाते हैं, कई बार जैसे 1400 चढ़ जाते हैं, कई बार जैसे 1500 जगह 2800 चढ़ जाते हैं, अरे वो 3000 जो बत्ता चढ़ता है ना अपना, उसकी जगह 2800 चढ़े देखे मैंने, और 2800 खाते में सैलरी आई, उसके बाद कुछ एक्शन लिया जाता है, उसके बाद 200 रुपये और एक्स्ट्रा दिलाए जाते हैं। वही वाली बात इसमें है कि आपका नोट रिक्वायर्ड नोट रिक्वायर्ड, या तो आप कहीं सस्पेंड डिबार्ड हो गए होगे, अगर फिर भी आपकी आईडी सही है, पूरे सब आपको लगता है कि मैं पूरा तरीके से ओके हूँ, तो आपको अपना एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जा करके ये आईडी खोल के चेक करवा लो कि सर मेरा ये क्यों आ रहा है, ठीक है, ये किसी का नहीं आया हुआ, तो आपका वो सॉल्यूशन कर देंगे, आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जाना पड़ेगा, लेकिन आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर ये जो 2000 है ना, ये 1500 रुपये आपके आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अमित श्रेलिया बोलते हैं भाई, क्या हरियाणा कौशल विकास रोजगार को लिंक ओपन हो गया है कि मेरे पास नोटिफिकेशन आया था? देखो आपके नोटिफिकेशन में इससे आपसे दिखा तो रहा है कि फॉर्म स्टार्ट 5/12/2021 से, लेकिन मैंने इस बारे में अभी चेक नहीं किया दोस्त, ठीक है, और लास्ट डेट अपडेट सुन अभी तक लास्ट डेट दिखाई नहीं गई है, कोई फीस नहीं कोई फीस नहीं कोई फीस नहीं, ये आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। ये जहाँ तक अभी इसकी लास्ट डेट नहीं आई है, एक बार मैं करके देख लेता हूँ, अगर मैं सभी साथियों को फ़ोन पे करवा देता हूँ तो सबसे बेस्ट है, अदरवाइज़ आप लोग अपना कैफे जा सकते हो, लेकिन अभी जल्दबाजी ना करें, ठीक है। मैं जितना हो सकेगा पहले मैं करवा दूँगा, अगर मेरे से नहीं होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि मेरे से तो नहीं करवाया जा रहा, आप लोग कई बार से कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एक बार वेट करो, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं, अभी शायद ओपन हुए ही हैं, कल 5 तारीख को मैं दिखा रहा है, लेकिन बाकी मैंने पूरी अपडेट मेरे को अभी पता नहीं, मैं पता करूँगा फिर जाके वीडियो बनाऊँगा इसके बारे में, ठीक है। आदि अधूरी नॉलेज खतरनाक होती है भाई। हेलो सर, मैं रोहतक से अशोक कुमार, मैं अगस्त 2020 में सस्पेंड हुआ था, 1 साल हो गया मुझे, बट ना तो मुझे सक्षम में अभी, अच्छा ऐसे लोगों, अभी तक काम नहीं मिला है, दिसंबर में भी आ गया है अभी भी, अच्छा सक्षम का भी कभी भी काम क्या कर रहे हो भाई, अभी 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 भी अभी भी इतना भी कैसे लगाते हो, ठीक है रुको रुको, नहीं मिला है, चांस है क्या कब तक मुझे सक्षम का कभी, अच्छा देखो आप सस्पेंड हो चुके हो ना, तो देखो यार ये मैंने थोड़ी देर पहले एक मेल पे वीडियो बनाई थी ना कि काम मिलता है या नहीं मिलता, इसका तो यार क्या बताएं आप लोगों को, काम डिमांड के अनुसार काम मिलते हैं मित्र, और आप सस्पेंड हो गए, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि आपका भत्ता रुका हुआ है। और एक मेरा दोस्त ऐसे था, एक लड़की थी कि हिसार डिस्ट्रिक्ट से, वो सस्पेंड हो गई थी, लेकिन उसने 4-5 मंथ वो सस्पेंड रही, सस्पेंड के दौरान उसका भत्ता आया था, किसी किसी का भत्ता आता है किसी किसी का नहीं आता। अब एक नई मेल आई है, ये बच्चे बोला कि मेरा मेल नहीं उठाई, इसकी मेल अभी आई है, अब मैं बीच में कैसे उठाऊँ, चलो देखते हैं बाकी। पूजा देखो सबसे पहले तो यार आप लोग जब एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में चले ही जाते हो तो वहीं से सब कुछ अपना इन्फॉर्मेशन लिया करो। अब जैसे कि बोलते हैं कि भाई 30 नवंबर को रिजेक्शन हुई थी, ऑफिस गई थी, उन्होंने पीपीपी आईडी अपडेट के लिए बोला, मैंने करवा दी है, इसका अच्छा इसका थी सॉल्यूशन है क्या और कुछ भी करना है? देखो इसका सॉल्यूशन तो उन्होंने बोल दिया अपडेट करवा दिया, आपने अपडेट करवा दिया, नेक्स्ट स्टेप तो उनसे पूछते, कैंडिडेट रिजेक्ट हो गया, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये देखना जरूरी है, नोट असाइन ऑनरी वर्क ट्रेनिंग इज एप्लीकेंट रिजेक्टेड, अच्छा करनाल से हो आप, रिजेक्ट हो गए हो, एज पर ऑर्डर ड्यू टू पीपीपी आईडी नोट एग्जिस्ट इन सक्षम पोर्टल,
सक्षम पोर्टल पर पीपीपी आईडी अपडेट नहीं किया, एग्जिस्ट नहीं है, ये जो भी है आपकी पीपीपी आईडी से इशू संबंधित कुछ था, अब उन्होंने आपने कर दी है, तो आप उससे समाधान करवाते ना कि सर मैंने तो अपडेट करवा दिया, अब मुझे क्या करना है, क्योंकि ये नई सिस्टम आई यार। अभी देखो पीपीपी आईडी जो बंदा जिस चीज़ से निकल जाता है उसी को ज्ञान होता है। अब मैंने रिजेक्शन के बाद पीपीपी आईडी कहाँ पर जमा करवाते हैं, मैं बाहर आया हूँ भाई, मैंने पहले बताया था, तो मैं वापस हरियाणा में आऊँगा तब मैं जा करके आप लोगों को सोल्यूशन बता पाऊँगा। इससे पहले आप लोगों को ही अपने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से कॉन्टैक्ट करने पड़ेंगे मित्र, ठीक है, वरना फिर मैं मान लो थोड़ा दिन और वेट करो, अब तक तो और घूमूंगा मैं यार। चलो यार वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है, एक मेल और इसको देख लेते हैं। अरे भाई वही मेल बार बार करते हो आप, एक ही मेल बार बार करना अच्छी बात नहीं होती यार। मैंने स्पेशल आपके लिए आपकी वीडियो बन चुकी है मित्र, टेंशन मत लो, ठीक है। ओके दोस्तों, और कोई प्रॉब्लम हो तो आपको मेल आईडी हमारी पता चल चुकी है। सबसे बड़ी चीज़ है आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लेना, वहाँ पे यार छोटी मोटी अपडेट आती रहती हैं, जैसे कि पटवाई का ना पटवाई का एग्जाम डेट आ चुकी है, मैंने वहाँ पे डाल दिया, मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई है, मैं सक्षम के अलावा कोई वीडियो नहीं बनाई अभी तक, ठीक है, तो मैंने उसका नोटिस डायरेक्ट अपने टेलीग्राम पर डाल दिया है, आप लोग देख लो कब की क्या डेट है, सीधा PDF जो पेज है ना स्क्रीनशॉट उसका डाल दिया, आप डाउनलोड कर लो और देख लो, ठीक है। ओके गुड नाइट।